हमारा दावा है कि आज जो मेथड हम आपको वीडियो में शो करवाने जा रहे हैं, ये मेथड आपको यूट्यूब हिस्ट्री में या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मोबाइल है या फिर कंप्यूटर सिस्टम है, आप दोनों भी ही इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इस बाइनेंस वर्ड ऑफ द डे पजल को इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को देखिएगा आखिर तक। वीडियो के आखिर में मैंने अपने पॉइंट्स भी शो करवाए हैं कि कितने पॉइंट्स मैंने जो है वो अर्न किया है और आप कितने कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं अहमद मुस्तफा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो भी शॉर्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए एक बाइनेंस वर्ड ऑफ द डे पर वीडियो बनाकर लेके आऊंगा, तो आज मैं आपके सामने वो वीडियो लेके हाजिर हूँ। वर्ड ऑफ द डे को सॉल्व करने के लिए हम तीन चीजों का यूज करेंगे। नंबर वन हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, नंबर टू हमारा चैट जीपीटी और तीसरी चीज है एनआई। एनआई मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस, मतलब हमारा अपना दिमाग लगाते हुए हम इसको गेस करेंगे कि ये वर्ड क्या बनता है, इसने कौन सा वर्ड रखा होगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो शीट है इसमें मैंने सारे फार्मूलाज लगाए हुए हैं और आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करके एक्सेल की शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नए सिरे से एक्सेल की शीट बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेल फाइल के लिए ये जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एड्स शो होंगे, लेकिन वो एड्स को आप ये मत समझिएगा कि वायरस है, वो एड्स होंगे जो कि एड्स टेरर की मोनेटाइजेशन से होंगे। आप जब इस पर क्लिक करेंगे एक दो एड्स के बाद आपको फाइल मिल जाएगी, आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे बाइनेंस वर्ड ऑफ द डे में कि आज जो हमें वर्ड दिया है बाइनेंस ने सॉल्व करने के लिए वो कितने लेटर्स का है। तो हम सबसे पहले इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 लेटर का वर्ड है। और हम यहाँ पे चैट जीपीटी में आएंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे 20 डिफरेंट 7 लेटर वर्ड्स और इसको हम एंटर कर देंगे और इसके आंसर का हम इंतजार करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, हमने इसमें सिर्फ वो वाला वर्ड यूज करना है जो कि जिसमें कोई भी लेटर रिपीटेडली नहीं आ रहा हो, मतलब ट्वाइस नहीं आ रहा हो, या उसमें मतलब तीन बार आ रहा होता है किसी वर्ड में कोई एक लेटर, या फिर दो बार आ रहा होता है, तो हमने ऐसा वर्ड चूज नहीं करना। हमने वो वर्ड चूज करना है जिसमें यूनिक लेटर्स हों सारे, मतलब कि हमें वैरायटी ऑफ लेटर्स जो है वो ज्यादा मिल जाए। तो हम इसमें देखेंगे कौन सा वर्ड जो है हमें जो है वो हमारे लिए सूटेबल है। इसमें जैसे वेदर आप देखेंगे ना, तो इसमें ई जो है वो दो बार आया हुआ है, नाइदर आया हुआ है, इसमें इसमें भी ई दो बार आया हुआ है। अब परफॉर्म है, इसमें भी आर जो है वो दो बार आया हुआ है। तो मॉनिटर इसमें ओ दो बार आया हुआ है। अभी देखिए इसमें जस्टिस जो है ये ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी लेटर जो है वो दो बार नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करेंगे, जस्टिस यहाँ पे टाइप करेंगे, JUSTICE, जस्टिस। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा लेटर जो है वो इसमें जो येलो कलर के लेटर्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारे इस वर्ड में इंक्लूड तो है लेकिन इसकी प्लेसमेंट जो है वो अपनी सही जगह पर नहीं हुई हुई। मतलब इस वर्ड में टी और ई आएगा तो जरूर, लेकिन ये अगर सही जगह पे अगर इसकी प्लेसमेंट होती तो ये ग्रीन कलर में होता, ये येलो जो शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये इस वर्ड में है सही लेकिन ये इस जगह पर नहीं है जैसे आप अभी इस वक्त मौजूद है, इसकी असल जगह ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सेल की शीट की तरफ चलेंगे, टी और ई को हम लिखेंगे अपने ग्रीन वाले कॉलम्स में, टी एंड ई, और दूसरे क्या जो ब्लैक में आ रहे हैं, जो ग्रे कलर में आ रहे हैं, ये इसका मतलब ये कि ये जो लेटर्स हैं ये हमारे वर्ड में इंक्लूड नहीं है। तो JUSICE, JUSINCE, इसको हम टाइप करेंगे अपने रेड वाले कॉलम सेशन में। तो यहाँ पर हम फिर इसको चैट जीपीटी में आएंगे और इससे कहेंगे कि टी और ई जिस वर्ड में इंक्लूड हो वो वर्ड हमें दें। तो हम यहाँ पे दोबारा टाइप करेंगे 20 डिफरेंट 7 लेटर वर्ड्स इंक्लूड या कंटेनिंग कौन सा, टी और ई, ये टी और ई जो लेटर्स हैं ये हम यहाँ पे लिखेंगे टी एंड ई। तो अब इसका हम वेट करेंगे कि हमें क्या जवाब देता है। यहाँ पर इसको हम देखेंगे, इन सबको हम कॉपी करेंगे सिलेक्ट करके,
यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, हम एक्सेल की शीट में आए, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने पेस्ट स्पेशल करके इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हम सबसे पहले इस फिल्टर में आएंगे जो मैंने लेटर्स वाला फिल्टर लगाया हुआ है, इसमें हम आएंगे, इसमें 7 को हम अनचेक कर देंगे ताकि जो के ऐसे वर्ड्स हैं जो कि 7 लेटर के नहीं है उसको हम डिलीट कर सकें। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये वो वर्ड्स आ जाएंगे जो हमारे पास जो 7 लेटर वर्ड नहीं है, ये 6 लेटर, क्योंकि चैट जीपीटी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो लाजमी नहीं है कि वो सही आंसर दे, या मतलब अगर 20 हमें आंसर दे रहा है वो, तो उसमें कुछ आंसर ऐसे होंगे जो उसके सही नहीं होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तीनों वर्ड्स को और यहाँ से उसको हम कर देंगे डिलीट, डिलीट रो कर देंगे और इसको हम वापस क्लियर फिल्टर करेंगे तो जितने भी 7 लेटर वर्ड्स हैं वो हमारे पास बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सब कॉलम्स में टी और ई हैं, तो इसका मतलब कि इसमें कोई भी हमें वर्ड जो है वो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी ऐसा वर्ड जैसे यू और एस है, ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंटायर रो को क्लिक करके हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अब जो दूसरे जो हमारे पास लेटर्स आ रहे हैं इसको भी हम डिलीट करना चाह रहे हैं, एस 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 आई एस आई और ये सारे, इनको हम डिलीट करना चाहेंगे तो हम F4 दबाएंगे तो लास्ट वाला जो हमारा एक्शन होगा वो उसको रिपीट करेगा। लास्ट हमने क्या किया था कि हमने रो पूरी को डिलीट किया था, तो हम सिर्फ F4 दबाएंगे तो ये इसको डिलीट करता जाएगा। तो यहाँ पे हमने F4 प्रेस किया और ये इसको डिलीट करता हुआ जा रहा है, एक हमें वर्ड ये मिल गया, दूसरा वर्ड ये मिल गया और ये भी डिलीट करेंगे, ये भी डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि गेटवे एक वर्ड हमारे पास बच गया और एक वर्ड वो बच गया हमारे पास थिएटर के नाम से। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर है, इसमें टी और ई इंक्लूड होना चाहिए और जे यू एस आई सी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेटवे मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ये गेटवे हो सकता है, तो हम यहाँ पे आके गेटवे लिख के देखते हैं कि इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। गेटवे बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको टाइप करते हैं। अब ये देखें टी आ रहा है अपनी ग्रीन, अपनी सही प्लेसमेंट पे आ रहा है, टी जो है वो भी इंक्लूड है इसमें, ई और डब्ल्यू भी है इसके अंदर, लेकिन बाकी जो ब्लैक या ग्रे कलर के हमें जो लेटर शो हो रहे हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हमारे पास एक इजाफा हो गया डब्ल्यू का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख देंगे और हमें जो नहीं चाहिए लेटर्स उसमें भी इजाफा हो गया, वो कौन से लेटर्स हैं, वो जी ए एंड वाई। ए इसमें क्योंकि रिपीटेडली आ रहा है दो बार, तो मैं ए को वन टाइम काउंट करूंगा, जी ए और वाई, ये हमारे पास इजाफा हो गया। मैं इसको रेड कॉलम्स में जाके जी ए एंड वाई लिख दूंगा और हमें फिर पता चलेगा कि ये दोनों वर्ड्स भी हमारे काम के नहीं है। तो इसको मैं डिलीट करूंगा यहाँ से, इसको डिलीट कर दूंगा और मैं फिर दोबारा चैट जीपीटी में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा टी ई और डब्ल्यू जिनमें इंक्लूड हो वो वर्ड्स हमें दो। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें लिखेंगे टी ई एंड डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। अब इसको कॉपी करेंगे हम जैसे हमने पहले कॉपी किया था और इसको हम यहाँ पे एक्सेल शीट में आके पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमने पेस्ट किया और एक काम हम और करेंगे कि हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक किया मैंने, इसको डिलीट प्रेस किया और एंटायर रो पे मैंने क्लिक करके इसको डिलीट कर दिया, F4 दबाया मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप इसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, लास्ट जो एक्शन रिपीट करते हैं हम इस पर, तो इसको भी F4 दबाऊंगा मैं, इसको भी F4 दबाऊंगा और ये सारे मेरे पास वो लेटर्स या वो वर्ड्स बच जाएंगे जो हमारे पास रिपीटेडली दोबारा दोबारा से नहीं आ रहे, डुप्लीकेट नहीं आ रहा जिसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमने न्यू वर्ड्स को हमने पेस्ट किया है तो यहाँ से हम इसको पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। जब कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो जितने भी ऊपर के फार्मूलाज हैं वो नीचे तक इसको पेस्ट कर देगा और हमें हमें हर सेल में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको फिर से डिलीट करेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे W सारे कॉलम्स में आ रहा है, सारी रोज में E और T भी आ रहा है और यहाँ पर जो नई चीज़ हमें जो चाहिए वो A S S ये वाले रोज जो हैं हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर मैं इंटायर रो कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करेंगे और इसको भी डिलीट करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये भी, और जो ये सारी ऐसे हैं तकरीबन जिस जो हमें ज़रूरत नहीं है जिनकी। अब ये नेटवर्क एक ऐसा वर्ड है जो मुझे समझ में आ रहा है
क्योंकि बाइनेंस जो वर्ड्स की सिलेक्शन करता है वो कुछ नेटवर्क्स टाइप की या ट्रेडिंग टाइप की या इकोनॉमी टाइप की कोई चीज़ें होती हैं जिनको ये जिन से रिलेटेड ये वर्ड यूज़ कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे एक आके लिखता हूँ नेटवर्क। अब ये टी देखें, नेट के जो टी है वो भी अपनी सही जगह पर आ रहा है कि थर्ड जो हमारे पास लेटर है वो टी आना चाहिए, तो इसलिए मुझे एक यकीन हो रहा है कि ये इसमें नेटवर्क ही आना चाहिए, नेटवर्क। तो लीजिए जनाब, हमने सॉल्व कर लिया अपना बाइनेंस वर्ड ऑफ द डे पजल को। तो मुझे जो उम्मीद थी कि वो ये थी कि चौथे या पांचवें हम गो में जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन तीसरे में ही जो है वो सॉल्व हो गया, तीसरी ट्राई में। तो ये आपके सामने है आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने पॉइंट्स जो हैं वो इसमें से अर्न किए हुए हैं इसी तरह से ये सारी पजल्स को सॉल्व कर करके। तो चलते हैं, मैं आपको अपने रिवार्ड हब में लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कितने पॉइंट्स अभी तक जमा हो चुके हैं। ये देखिए आप, 63 पॉइंट्स अभी तक मैं अर्न कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसके बारे में बताऊँ कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।